तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका एकदम ही कैंसिल हो जाए, मतलब कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं भैया अब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते, या आपका रिजेक्शन हो जाएगा या आप टर्मिनेट हो जाओगे, तो उस केस या उस कंडीशन में आपकी कौन हेल्प करेगा या आप क्या कर सकते हो, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। मैं बता दूँ, मान लो कि आप जहाँ रहते हो वहाँ से आपका घर 400 किलोमीटर दूर है, आप वहाँ रेंट पे रहते हो, आपका जो होम टाउन है वो 400 किलोमीटर दूर है। फॉर एग्जांपल होता क्या है बेसिकली, जब एक मैं एग्जांपल की बात बता रहा हूँ, किसी एक एग्जांपल का भी मैं ले सकता हूँ, ऐसे आप किसी दूसरे के लिए कोई सा भी हो। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा वो एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, उसमें दो एड्रेस प्रूफ लगते हैं, एक तो आपका करेंट और एक आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ। परमानेंट एड्रेस प्रूफ में तो मैंने अपना आधार कार्ड डाल दिया, और करंट एड्रेस में मैं डाल दूंगा यहाँ का रूम रेंट का जो अग्रीमेंट होता है या बिजली कनेक्शन का बिल वगैरह, तो वो मैं डाल दूंगा। ये हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या करते हो, आधार कार्ड ही डालते हो, क्योंकि अब जब बेसिक हो गया तो आधार कार्ड डालते हो, या फिर आप हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह अपलोड करते हो। तो अगर मान लो कई केस में आपको डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम हो गई कि उनको डेट ऑफ बर्थ में वो क्लैरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका मुझे क्लियरेंस नहीं मिल रहा है डेट ऑफ बर्थ में, तो जाहिर सी बात है आपके मैनेजर्स के पास उनका टॉपअप आता है कि इस बंदे का जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग है। और आप उनके पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ भी चेक कर सकते हो कि आपका वेरिफिकेशन क्या पेंडिंग है, और वहाँ पे शो करता है कि क्या चीज़ आपके एंड से पेंडिंग है जब उनके पोर्टल पे ऐड करोगे। पोर्टल इन द सेंस कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है ना, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अपने एंड से नहीं कराती है। पहली बात तो ये क्या करती हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के दे दिए किसी थर्ड पार्टी वेंडर को, किसी दूसरी कंपनी को दे दिए, बस वही करेगा सारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। और वो होता है वेंडर उस चक्कर में ये सोचता है कि नहीं मेरा टेंडर ना चला जाए उससे, तो उस चक्कर में बहुत धांसू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर देते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बहुत ही अच्छा। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम होगी, तो अब होता क्या है कि आप वर्किंग भी हो, तो उस केस में जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो जो आपका मैनेजर है वो आपकी 100% हेल्प कर सकता है अगर वो चाहे तो। जो मैनेजर होते हैं उनका एक्सेस एक मैनेजमेंट के पास तक होता है, वो एक मेल टाइप करेंगे कि बंदे ने आधार कार्ड ऑलरेडी अपलोड कर दिया बट फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए वो बोल रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है या मुझे मिल नहीं रही है। तो मैनेजर एक टॉपअप डालेंगे मैनेजमेंट में, और वो मैनेजमेंट ट्रांसफ़र करेगा मेल आपके वेंडर को जो जिसके एंड से आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ये ऐसा कुछ होता है, आपके मैनेजर या उससे ऊपर लेवल के पोस्ट तक वो 100% हेल्प कर सकते हैं आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। बट मोस्टली होता क्या है कि जब आप नए नए होते हो ना, न्यूली ज्वाइन किया होता है, तो थोड़ा सा कम जान पहचान होती है, तो वो इस मैटर में पलना नहीं चाहते, क्योंकि जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो जल्दी से उस चीज़ में वो पलना नहीं चाहते। लेकिन अगर चाहें आप रिक्वेस्ट करो तो करवा सकते हैं। तो ऐसे आप हर किसी कंडीशन का ले सकते हो, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उस पर भी टॉप अप करवा सकते हो, बस आप अपने एंड से ओके होना चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो फिर तो हेल्प होगी ही नहीं। अपने एंड से अगर लगता कि नहीं मैं ओके हूँ, सारा कुछ ठीक है, फिर भी मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो करवा सकते हैं। आप अगर जैसे कोई प्रीवियस कंपनी बंद हो जाए, कोई लास्ट कंपनी बंद हो जाए, तो उस कंपनी का डोमेन हो, उस कंपनी का मेल हो, या उस कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हों, या पीएफ नंबर हो, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए एज अ प्रूफ हो, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट ही हो, तो एज अ प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।